वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का यह दिन विश्व में हेपेटाइटिस नामक बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक अहम कारण है। हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जो कि कभी कभार लीवर कैंसर का रूप ले लेती है। यह बीमारी पूरे विश्व के लगभग 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। हर साल इस बीमारी की वजह से लगभग 1.34 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकर झंवर से विशेष चर्चा में। हेपेटाइटिस यह एक इंग्लिश शब्द है, जैसे हिंदी में संधि विग्रह किया जा सकता है वैसे इंग्लिश में भी किया जा सकता है। हेपेट मतलब लीवर, आइटिस मतलब सूजन। लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसके अनेक प्रकार होते हैं और अनेक कारणों से हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन के कारण होने वाला हेपेटाइटिस, शरीर की ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाला ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहल के कारण होने वाला हेपेटाइटिस, ये कॉमन कारण है जिससे लीवर पर सूजन आ सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन के कारण होने वाले हेपेटाइटिस में आते हैं वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस। इनमें प्रमुख है चार टाइप के वायरसेस, ए बी सी डी और कई बार ई, डी कॉमन नहीं है, ई। पानी, दूषित पानी और दूषित अन्न से हमारे शरीर में जो अंदर आते हैं वायरसेस वो ए और ई होते हैं। बी और सी ये ब्लड या फिर संक्रमित शरीर के द्रव्यों से हमारे शरीर में आ सकते हैं। जो सबसे घातक है उनमें है वायरल हेपेटाइटिस बी, क्योंकि इसका पूर्णतया उपचार आज की परिस्थितियों में भी अवेलेबल नहीं है। इसको दवाइयों से कंट्रोल में किया जा सकता है मगर इसको शरीर से पूरी तरीके से निकालना या निर्मूलन करना आज भी बहुत मुश्किल है। बाकी ए और ई अपने आप ठीक हो सकते हैं, इनमें बहुत कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और सी का पूरी तरीके से उपचार संभव है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अपने आप में बहुत मुश्किल होता है कई बार ट्रीट करना, अगर पेशेंट अल्कोहल पीना बंद नहीं करे तो। बाकी जो दूसरा कॉमन प्रकार है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। इनमें से कोई भी हेपेटाइटिस अगर एक मात्रा से ज़्यादा वायरस का इन्फेक्शन शरीर में हो तो वो घातक हो सकता है। कोई एक प्रकार को घातक ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने बताया, जिससे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हेपेटाइटिस है आज की डेट में, वो है हेपेटाइटिस बी। सबसे प्रमुख लक्षण है पीलिया, आँखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन, शरीर में स्किन में पीलापन, ये सबसे आम लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो कॉमन लक्षण है वो पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, जी मचलना, कमज़ोरी महसूस होना, और अगर यह किसी और ऐसे व्यक्ति में हेपेटाइटिस होता है जिनका लीवर पहले से कमज़ोर है, तो उनमें पेट में पानी जमा होना, जिसे इंग्लिश में असाइटिस कहते हैं, पैरों में सूजन, खून की उल्टियाँ होना या कन्फ्यूजन वाली परिस्थिति जिसको एनकेफलोपैथी इंग्लिश में कहा जाता है, ऐसे लक्षण हेपेटाइटिस के हो सकते हैं अगर किसी पेशेंट का लीवर पहले से खराब हो। हेपेटाइटिस वायरस के शरीर में आने के प्रमुख कारण हैं संक्रमित नीडल या संक्रमित ब्लड का शेयर होना। अगर आप ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़र है, तो किसी के साथ में अगर आपने नीडल शेयर की है तो उससे आप में आ सकता है। माता से बच्चे में जाना, अगर कोई माता प्रेग्नेंट है और उनको हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनसे संक्रमित माता से बच्चे में संक्रमण हो सकता है। इसीलिए हर प्रेग्नेंट माँ को हेपेटाइटिस बी और सी की जाँच करना अनिवार्य है। तीसरा, पार्टनर्स के बीच में अगर आप शारीरिक संबंध रखते हैं हेपेटाइटिस बी या सी वाले व्यक्ति से तो यह संक्रमण आप में आ सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जैसे मैंने बताया, इनका रूट होता है फीको ओरल, फीको मतलब शौच और ओरल यानी खाने से, संक्रमित खाना या संक्रमित पानी पीने से, खासकर इन दिनों में बारिश के दिनों में
अगर आप फिल्टर्ड पानी नहीं पियेंगे, उबला हुआ पानी नहीं पियेंगे, तो हेपेटाइटिस ए और ई होने की संभावना बढ़ जाती है। डायग्नोसिस सबसे पहले सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मुझे पीलिया है, जनरलाइज वीकनेस है, बुखार आ रही है, पेट में दर्द है, तो वो इसका डायग्नोसिस, इसके बारे में सस्पिशन या इसके बारे में उनमें शंका निर्माण होगी डॉक्टर के मन में कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो सबसे प्रमुख जो जांच होती है वो है ब्लड टेस्ट, जिसे कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें बिलिरुबिन का बढ़ना, लीवर से संबंधित एंजाइम्स का बढ़ना, इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर्स कई बार और भी जांच करते हैं, जैसे सोनोग्राफी, और हेपेटाइटिस के वायरस के लिए जांच होती है जिनमें वायरस की मात्रा शरीर में कितनी है ये देखी जाती है। पीलिया आँखों को जो पीलिया, नॉर्मल मनुष्य को जो पीलिया जब दिखने लग जाता है, तब बिलिरुबिन की मात्रा 3 से ऊपर होती है, और नॉर्मल मात्रा बिलिरुबिन की शरीर में 1 to 1.5 टोटल बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के दो टाइप्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, जिसे लैब की भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहा जाता है। अगर बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन 1.5 से ऊपर जा रहा है, तो हमें सोचना होगा कि कहीं इसकी मात्रा शरीर में अत्यधिक हो रही है या नहीं। और इसके प्रमुख कारण, जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस या पित्त की नली ब्लॉक होना है। पित्त की नली ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पित्त की नली में स्टोन्स, या फिर पित्त की नली की रुकावट किसी कैंसर की वजह से भी हो सकती है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानकारी के अभाव में हमारे यहाँ के पेशेंट्स गलत ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। पीलिया झड़ाना, इसके अनेक मीनिंग लोग अपने हिसाब से लगाते हैं। कई बार वो ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं जो प्यूरिफाइड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरी जो पैथीज हैं उनमें इनका उपचार नहीं है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ऐसी है कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल है, दूसरे पैथीज वाले भी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो एक्सपर्ट हो उस विषय का। आप मतलब आधा ज्ञान वाले लोगों के पास नहीं जाए। नीम हकीम खतरे जान, ये बहुत पुरानी कहावत है। इसमें होता ये है कि डायग्नोसिस में काफ़ी डिले हो जाता है, और कई बार ऐसी दवाइयों का उपयोग या ऐसे मेटल वाली दवाइयों का उपयोग बाहर होता है, जिससे लीवर की कंडीशन जो थोड़ी बहुत डैमेज थी वो अत्यधिक डैमेज हो जाती है। तो उपायों का सीधा सा संबंध है उसके कारण से। अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस है, ए और ई हेपेटाइटिस है, तो डॉक्टर्स आपको एडमिट भी नहीं करेंगे कई बार, अगर वो बहुत कम मात्रा में हो तो। अत्यधिक मात्रा में अगर हेपेटाइटिस के कारण बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, या आपके लीवर के एंजाइम्स बहुत बढ़े हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो उन सिचुएशंस में डॉक्टर आपको एडमिट करके फ्लूइड्स देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स की अगर ज़रूरत हो, अगर आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो वो दिया जाएगा, या फिर आपको सपोर्टिव मेडिकेशंस देंगे। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी की अगर बात करें, तो आज हम लकी इसलिए हैं क्योंकि आज हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अवेलेबल है। 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में आप हेपेटाइटिस सी से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है, परंतु दवाई लेने से वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। और रोकथाम की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संक्रमण के कारण पे हमें फोकस करना होगा। आप अगर संक्रमित नीडल का उपयोग करेंगे तो हेपेटाइटिस होगा, तो ड्रग्स का यूज़ वैसे भी नहीं करना है, हमेशा इंश्योर करना है। आजकल सिटीज में और सारे अच्छे अस्पतालों में कभी भी नीडल शेयर नहीं होती, मगर किसी को किसी कारणवश बहुत छोटे या दुर्गम स्थान पर जाना पड़े और वहाँ पर संक्रमित नीडल होने का अगर संभावना है, तो मेक श्योर करें आप इस चीज़ की जानकारी या इस चीज़ के बारे में श्योर हो जाए कि वो नीडल क्लीन यूज नीडल है। दूसरा जो कॉमन संक्रमण का कारण है, शेयर्ड ब्लेड्स। आप जब भी हेयर कट या सैलून में जाए, वहाँ पर मेक श्योर करें कि आप कभी भी शेयर्ड ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्लड बैंक्स में आजकल सभी जगह पर हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी की जांच हो ही जाती है, तो ये अब पुरानी बातें हो गई कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। और माता से बच्चे में संक्रमण के बारे में जब हमने बात की, तो मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हर माता को हेपेटाइटिस बी के बारे में जांच कर लेनी चाहिए। और
अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है या आपको संशय है कि उनको हेपेटाइटिस बी है तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करिए। मैं छोटा सा संस्करण इसके पीछे का बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस कोई भी डे जब हम मनाते हैं तो उसके पीछे एक इतिहास होता है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के पीछे भी एक छोटा सा इतिहास है और इसको बताने में मुझे हमेशा ही गर्व महसूस होता है क्योंकि हमारे अपने देश के डॉक्टर एसपी सिंह जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है कटक और उड़ीसा के, उनके ही प्रयासों के बाद दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और आज 28 जुलाई जो हेपेटाइटिस डे मनाया जाने का कारण यह है कि प्रोफेसर ब्लूमबर्ग जिन्होंने हेपेटाइटिस ढूंढ के निकाला था वायरस संक्रमण जिसके कारण होता है उनके उनको गौरवान्वित करने के लिए हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और इस साल का जो हेपेटाइटिस डे का थीम है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। मतलब इसका ये है कि आपको इन कोरोना की लहर में और किसी भी एपिडेमिक के समय भी अगर आपको पीलिया या हेपेटाइटिस हो रहा है तो इसके लिए आप वेट मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी मैं रुक जाता हूँ और थोड़े दिन के बाद मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। जैसे ही आपको पीलिया होता है आप किसी एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाइए जो इसके बारे में जानकारी रखते हो। और जैसे आपने पहले पूछा था ये पीलिया जड़ाना वगैरह इन चीज़ों में ना पढ़कर इसके विशेषज्ञ को दिखाइए ताकि डीले नहीं हो और आपकी बीमारी बढ़े नहीं।